नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का कंप्यूटर का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, यानी कि जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। अगर बात आती है कंप्यूटर की पीढ़ियों की, तो एक्चुअल में कंप्यूटर की शुरुआत कब से हुई, उसकी बनावट, गुण, कीमत, स्पीड, साइज इत्यादि चीज़ों के बारे में कैसे कैसे बदलाव और कब कब आते गए, इस सब चीज़ों को पढ़ना दर्शाना कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कहलाता है। मैं आपको बता दूं कि सभी जगह आपको कंप्यूटर जनरेशन का समय अलग अलग मिलेगा, जिसमें कि एक या दो या तीन वर्षों का अंतर हो सकता है। इसलिए इस बात से आप टेंशन ना लें कि सभी जगह अलग अलग क्यों बताया जाता है, ये अनुमानित आंकड़े होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली है प्रथम पीढ़ी। जैसा कि आपने अभी कंप्यूटर विकास के इतिहास में देखा था कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनिक था, जो कि जेपी एकर्ट और जॉन मैचली के सहयोग से 1946 में तैयार किया गया था। इसके अलावा यूनिवेक, एडवेक, एडसेक कंप्यूटर भी इस जनरेशन में शामिल हैं, जो कि इसके बारे में अपने पढ़ा है। अगर मैं इस पीढ़ी के टाइमिंग की बात करूं, तो लगभग 1946 से 1956 तक चला था, जिसे फर्स्ट जनरेशन यानी कि प्रथम पीढ़ी कहा जाता था। इस पीढ़ी की गुणवत्ता या लक्षण के बारे में बात करें, तो स्विचिंग डिवाइस में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक, कम विश्वसनीय और देखने में बहुत बड़े होते थे। इसमें बहुत ही ज़्यादा एयर कंडक्टरों का प्रयोग किया जाता था। संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। इसकी स्पीड बहुत धीमी थी। मशीनी भाषा में प्रोग्रामिंग का प्रयोग किया जाता था। ये बहुत ही ज़्यादा खर्चीला होता था और बहुत ही धीमी गति से कार्य करता था। इसका आकार लगभग एक कमरे के समान होता था। उसके बाद हमारी द्वितीय पीढ़ी आई। द्वितीय पीढ़ी 1956 से मानी जाती है। इन सारे कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, जिसकी वजह से ये सारे कंप्यूटर में काफ़ी बदलाव देखने को मिला, जैसे आकार का छोटा होना, स्पीड में बढ़ोतरी होना, ज़्यादा विश्वसनीय होना इत्यादि। ये सारी प्रक्रिया सन 1956 से 1964 तक चली थी, जिसे द्वितीय पीढ़ी कहा जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की गुणवत्ता और विशेषताओं के बारे में बात करें, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से कम खर्चीले थे। प्रथम पीढ़ी से छोटा और कम रखरखाव में था। इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ और विश्वसनीय योग्य थी। वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी से ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ थे। इसके बाद बात करते हैं तृतीय पीढ़ी की। इस पीढ़ी की शुरुआत 1964 से हो गई थी, जो कि 1964 से 1973 चली थी। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का वजन बहुत ही कम था। इसके अंदर IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। इस पीढ़ी की गुणवत्ता, लक्षण या विशेषताओं के बारे में बात करें, तो यह बहुत ही छोटे आकार में होते थे, यह बहुत ही कम खर्चीले होते थे और बहुत कम बिजली खपत होती थी इनमें रखरखाव में भी आसानी थी, स्पीड भी इनकी बहुत ज़्यादा थी और बहुत ही ज़्यादा ये विश्वसनीय थे। सभी पीढ़ियों में सबसे ज़्यादा मजबूत और तीव्र गति प्लान चलाने वाले कंप्यूटर ये थे। इनमें IC का प्रयोग किया जाने लगा था। इसके बाद हमारी चौथी पीढ़ी आई। चौथी पीढ़ी की शुरुआत 1973 से हुई है, जो 1982 तक चली थी। चतुर्थ पीढ़ी में अभी तक वर्तमान में कंप्यूटर देखे जा रहे हैं। इस पीढ़ी में गुणवत्ता और विशेषताओं के बारे में बात करें, तो आकार में एकदम छोटे, स्पीड के मामले में काफ़ी तेज़ और उचित रखरखाव और आसान जगहों पर आसानी से ले जाने लायक ये थे। ये कम खर्चे में तैयार हो जाते थे और ये विश्वसनीय और टिकाऊ थे। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। इसके बाद पाँचवीं पीढ़ी आई। 1982 से लेके अब तक के सभी कंप्यूटरों में पाँचवीं पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर अत्यंत छोटे, शक्तिशाली, फास्ट और उच्च तकनीक वाले होते हैं। इस पीढ़ी वाले कंप्यूटर के कई सारे मॉडल तैयार किए गए हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि। आजकल तो मोबाइल के साइज की तरह का कंप्यूटर आ गया, जिसमें आप कंप्यूटर के तरह सभी कामों को आसानी से कर सकते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में मुझे और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी वर्तमान में देख सकते हैं कंप्यूटर की मदद से हम क्या क्या आसानी से कर सकते हैं।